हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने मोबाइल पे आने वाले एड्स को लेकर परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। हम आपको आपके मोबाइल में ही कुछ ऐसी सेटिंग्स बताएंगे जिसे करने के बाद आपके मोबाइल्स में कोई भी एड्स नहीं आएंगे। बस आपको मैं जो जो सेटिंग्स बताता हूँ वो आप करते जाइए, और उसके बाद भी यदि आपको एड्स आएंगे तो आप कमेंट करके हमें चार बातें जरूर सुनाइएगा। वैसे 100% आपके मोबाइल में कोई भी एड्स इस सेटिंग करने के बाद नहीं आएंगे। तो बहुत ही आसान सी सेटिंग है, चार पांच सेटिंग्स मैं बताऊंगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल की सेटिंग खोल लेनी है। सेटिंग में कई लोगों का ऑप्शन मिल जाता है सामने ही, और कई लोगों को सर्च करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे गूगल खोज लेना है, गूगल। तो ये देखिए, यहाँ पे गूगल मिल गया। गूगल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए एड्स पे क्लिक करिए, और एड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखेगा डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी, जबकि मैंने डिलीट कर लिया है। देखिए शुरू में ऐसे रहेगा आपका, तो ऐसे रहेगा, मैंने अपनी डिलीट कर ली थी। तो आपने यहाँ पे डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी को डिलीट कर लेना है, ठीक है। तो अभी आपके गूगल को पता ही नहीं चलेगा, एक स्पेशल आईडी रहती है जिसको पकड़ के गूगल आपको एड्स देता है। तो सबसे पहली सेटिंग हो गई, आपने एडवर्टाइजिंग आईडी को अपनी डिलीट कर लेनी है। उसके बाद दूसरी सेटिंग मैं बताता हूँ, वापस आ जाना है, और सेटिंग में ही आपको स्पेशल ऐप एक्सेस कहीं पे लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है यदि खोजने में परेशानी होती है। तो स्पेशल ऐप एक्सेस यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने देखेंगे कि डिस्प्ले ओवर अदर एप्स लिखा हुआ रहता है, इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा देर लोडिंग लेगा। और इस पे आपने जिस को आपने परमिशन यहाँ से दे रखी है उसको यहाँ से आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। देखिए कितनी ऐप्स को परमिशन मिली हुई है, तो यहाँ से आपने इसको ऑफ कर देना है। आप ऑफ कर लीजिएगा, मैं बाद में कर लूँगा, ठीक है। जो आपको जहाँ जहाँ पे एड्स आते हैं आपने वहाँ से इसको ऑफ कर लेना है खोज के, ठीक है। तो दूसरी सेटिंग हो गई। तीसरा सेटिंग मैं बताता हूँ आपको, ये सारी सेटिंग कीजिएगा तभी आपके मोबाइल पे एड्स आने बंद होंगे। तीसरा सेटिंग जो है, आपने क्रोम में जाना है, और क्रोम में जाने के बाद आपको ये दाहिने साइड राइट में तीर नज़र आता है, इस पर क्लिक करना है और इसकी सेटिंग में चले जाना है। इसकी सेटिंग में गए, अब यहाँ पे आपको ढूंढना है साइट सेटिंग। देखिए यहाँ पे साइट सेटिंग मिल गया, साइट सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ दिखेगा कहीं पे पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स, तो यहाँ पे क्लिक करना है, और मैंने ब्लॉक कर रखा है, आप में ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसको टैप करके ऐसे ब्लॉक कर लेना है। तीसरी सेटिंग हो गई। चौथी सेटिंग आपको मैं बताता हूँ, बैक आ जाना है, सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में गूगल ढूंढ के गूगल पे क्लिक करके, और यहीं पे देखिए मैं भूल गया उस समय बताना, चौथी सेटिंग वैसे यही है, मैनेज योर गूगल अकाउंट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किए, उसके बाद अगली सेटिंग खुलेगी, और उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ डाटा एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आइएगा तो यहाँ पे माई एड सेंटर है, तो इसको, ये हमेशा ऑन रहता है, तो इस पर क्लिक करके, और आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। ठीक है,
उसके बाद अगली और सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग मैं बताता हूँ आपको। इस सेटिंग के करने के बाद आपके मोबाइल में कोई भी एड्स नहीं आएंगे। सबसे पहले आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सीधा सर्च कर लेना है DNS, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने DNS पे क्लिक करना है और ये आप में जो प्राइवेट DNS मैंने कर रखा है पहले से, तो आप में ये ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है, या ऑफ नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक रहता है। प्राइवेट DNS प्रोवाइडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपने इसमें टाइप कर देना है dns.adguard.com और इसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। अब आपके मोबाइल में कोई भी एड्स नहीं आएंगे। फिर भी यदि एड्स वैसे तो आएंगे नहीं, 101% मैं बता रहा हूं, लेकिन यदि आते हैं आप में तो एक और रामबाण तरीका है, वो मैं बताऊंगा। आप कमेंट करके दो चार बातें हमको सुनाइए तो मैं आपको वो भी तरीका बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।